भाई तुम डेयरी सदस्य हो भाई। हाँ, कई कर रहे भाई तुम यहाँ अभी? अजोला की कैरी बने रहा। अजोला की कैरी बने रहे? तो भाई हमको अजोला बड़न बताओगे? हाँ तो भैया अजोला का ही वजह भैया, यो भैंस का खिलाना को हरो घास। तो भैया अजोला बड़ा मतलब कैसे समझिए अपना के? ये पल्ली है, मतलब 5 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी। ये पानी है, अपना जितने जरूरत है उतना डाल ही सकता है। ये 15 किलो मिट्टी है। हाँ, ये 2 किलो गोबर बासी है। ये 1 किलो अजोला है। हाँ भैया, मतलब ये हमारे पक्को है। हाँ? ये कर लिए मतलब ईट लगे रहा। ईट लगे? हाँ, नहीं तो कच्चो है तो मतलब खोदी के नहीं बनी सका। तो भैया कितने कच्चो रहते तो अपना गड्ढो खोदता, कितने उंडो खोदता? 7-8 इंच। 7-8 इंच है नहीं अपना पक्को है तो मतलब ईट रखी बने रहे। तो भैया हमको अजोला बड़न बताओगे? हाँ, सबसे पहले काय करा भैया अपने गाँव? ईट की क्यारी बनाना है। सबसे पहले ईट की क्यारी बनाना है? हाँ। तो भैया कसो बनाओ बड़न बताओ हमको। हाँ, तो पहले क्या करोगे भैया? पहले ये रखोड़ी सी लाइन बने लिया। हाँ? और एक बाद में ईट जमाई का। हाँ? प्लास्टिक बिछे का। हाँ? और पानी और डाली का। हाँ? जो लाग तैयारी करा। जो लाग तैयार है नहीं? ये लाइन बनी रहूं रखोड़ी से। लाइन बने फिर क्या करोगे भैया? फिर एक पे ईट जमाएंगे। ईट जमा है? अगर अपना राख से लाइन भी खींच दे। हाँ। आप काई करांगे के ऊपर? अब ईट लगेगा और फिर प्लास्टिक लगाऊंगा। तो चारों तरफ ईट लगाओ? हाँ, चारों तरफ ईट लगाना पड़ेगा भैया। ये साइज बढ़ा सकता है, चौड़ा कर सकता है कम? नहीं। तो भैया चौड़ी क्यों नहीं कर सकते कबल? मतलब निकालने में दिक्कत आएगी। अच्छा, चौड़ी करके निकालना दिक्कत आएगी। तो भैया ईट क्यों लगाओ इस साइड? मतलब पानी बह के नहीं जाए बाहर। ये क्यारी आयताकार है भैया। हाँ, सबसे नीचे पल्ली के नीचे मतलब पानी नीचे जमीन में नहीं जाए वो निकालिए। हाँ। तो भैया अभी अपना प्लास्टिक भी चाहिए देखूंगा। हाँ, आप कहीं डालेंगे मैं? पहले मट्टी डालांगा। मट्टी कितनी डालांगे भैया? 2 इंची। 2 इंची परत। हाँ, 2 इंची की परत लगे देंगे। अच्छा, 2 इंची की परत है। हाँ। ये पत्थर भी नहीं रो कंकर मतलब। तो भैया मट्टी में था जो मतलब ये चारा में नहीं आएगा नीचे मतलब पानी से। इनका तो कहीं अजोला का कहीं मिलेगा नहीं ताकत। हाँ, निकलिए पत्थर भी नहीं मिट्टी मतलब। हाँ।